हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करूँ खरे, खबर निकल के आ रही इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है इसका पहला दिन खत्म हो गया। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो पृथ्वी शाह ने कोई भी रन नहीं बनाए, मयंक अग्रवाल ने 17 रन बनाए थे और चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली 74 रन बनाकर रन आउट हुए थे और अजिंक्य रहाणे 42 रन बना के आउट हुए थे। हनुमा विहारी ने भी सिर्फ 16 रन बनाए और इस वक्त रिद्धिमान साहा और रविचंद्र अश्विन क्रीज पर डटे हुए हैं। अगर बात की जाए स्कोर की तो 233 पर 6 विकेट है। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए, हेजलवुड ने 1 विकेट लिया, पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया और नाथन लियन ने 1 विकेट लिया और इंडिया एक दिन के खेल के खत्म होने पर 233 पर 6 विकेट है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। आज दोपहर 11:30 बजे को मैच खेला जाएगा। और बात की जाए बल्लेबाजी की तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ से बल्लेबाजी में दिखेंगे मार्टिन गप्टिल, टिम सैफर्ट एंड ग्लेन फिलिप बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़, हैदर अली, खुशदिल शाह आपको खेलते हुए दिखेंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों टीमों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ अगर बात की जाए मैच की तो दोपहर 11:30 बजे को मैच खेला जाएगा और ये मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। बात की जाए तीसरी खबर की, ये खबर निकल के आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि मोहम्मद आमिर ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है और अब वो सिर्फ लीग्स वगैरह ही खेलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए कभी भी मोहम्मद आमिर नहीं खेलते हुए दिखेंगे, जिन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है। मोहम्मद आमिर की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल रही है। पहले फिक्सिंग में बैन रही थी और उसके बाद क्रिकेट में भी उनको टीम में नहीं लिया जाता था और अब उन्होंने आखिरकार रिटायरमेंट ली है पूरे क्रिकेट से। चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है श्रीलंका क्रिकेट के हवाले से। और की बड़ी खबर कि श्रीलंका क्रिकेट आज दोपहर को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। 26 दिसंबर से होने वाले टेस्ट सीरीज़ के लिए आज साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी श्रीलंका की टीम आज दोपहर को। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।